हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शुभम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों की जो है दिल की इच्छा पूरी करने आई हूँ, जिससे कि मुझसे बहुत से लोग कहते हैं कि सुगम मेरा बिना रोटी खाए जो है वो पेट नहीं भरता है, और मैं जिनको भी डाइट प्लान देती हूँ वो विदाउट उसमें रोटी मैं ऐड नहीं करती हूँ, या तो दाल ऐड करती हूँ या सूप ऐड करती हूँ। तो आज उस इच्छा की भी पूर्ति करने मैं आ गई हूँ। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी डिटॉक्स रोटी, यानी कि अगर उस रोटी को आपने खाया तो पेट तो भरेगा ही भरेगा, टेस्टी तो लगेगी ही लगेगी, साथ में आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस गर्मी में, इस पॉल्यूशन में, और जो भी आपके पेट की प्रॉब्लम है उसके लिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक डिटॉक्स रोटी की रेसिपी शेयर करूंगी, जितनी मन हो जितनी नहीं, लेकिन हाँ 2.5 से 3 रोटी आप उसे इजी होके खा सकते हैं, कैलोरीज नहीं, क्योंकि जो चीज़ मैं उसमें यूज़ करूँगी वो माइनस कैलोरी होती है, यानी जो कैलोरी आप खा रहे हैं वो उसे माइनस में कर देगी, यानी कि आपकी बॉडी में बिल्कुल भी फैट नहीं जमा होगा, बिल्कुल भी कैलोरीज नहीं जाएगी। टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैंने और एक नया चैनल भी ओपन किया है, जिसमें मैं ब्यूटी से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड एंड अपनी स्किन केयर रूटीन और मेकअप्स, वो सारी चीज़ें वहाँ पे जो है वो अपलोड करती हूँ। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो वहाँ पे अपलोड किया हुआ है, तो वो जाके चेक कर सकते हैं, लिंक नीचे दे दूंगी मैं, और साथ ही साथ कम्युनिटी पे भी शेयर किया हुआ है, तो वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, इसका डो रेडी करने के लिए आपको एक क्लीन प्लेट चाहिए, जिसमें भी आप आटा मारते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गेहूं का आटा चाहिए, मैं जो क्वांटिटी हूँ बता रही हूँ। इसके बाद आपको बेसन चाहिए और जो सत्तू यानी कि जौ का आटा चाहिए, तीनों की मात्रा आपकी बराबर होनी चाहिए। ये मैं 2 लोई का आटा बना रही हूँ, आप जैसे ज़्यादा लोई के बनाइए वैसे बना लीजिए। देन उसके बाद आपको इसमें थोड़ी सी पिंच ऑफ टर्मरिक डालनी है, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे करेले का जूस का रस। आप चाहें तो पूरा होल करेला डाल सकते हैं या फिर जूस डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं पूरा पल्प सहित करेले से, यानी कि पानी का यूज़ नहीं करूँगी, इसी से इसका जो डो है वो रेडी करूँगी। तो आपको क्या करना है, आप चाहे तो पल्स से डो रेडी करें, चाहे तो जो है वो यानी कि इसको छान लें स्ट्रेनर की हेल्प से, देन उसके बाद आप इसका डो रेडी करें। लेकिन मैं जो है मैं वो पूरे पल्प सहित इसका डो रेडी करती हूँ, यानी कि जस्ट निकालती हूँ, बीज निकाल के उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेती हूँ, देन उसके बाद उसका जो डो है वो रेडी करती हूँ। आप चाहे तो इसमें नमक ऐड कर सकते हैं, मैं नमक ऐड नहीं करती हूँ, ये आपके स्वाद के ऊपर है। तो इस तरह से आपको आटे का एक डो रेडी तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं ये 2 रोटी का डो मेरा रेडी है, आप अपनी क्वांटिटी के अनुसार डो रेडी कर सकते हैं। इसके बाद आपको घर में अपना जो भी रेगुलर तवा है वो चढ़ाना है। मैं हमेशा ही रेगुलर रोटी बनाने के लिए लोहे का तवा ही यूज़ करती हूँ, नॉन स्टिक पराठे के लिए यूज़ करती हूँ। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी ऐसी चीज़ें हैं यानी कि गांव से रिलेटेड पहले के लोग करते थे, वो चीज़ें हमेशा अपने घर में रखिए। सब्जी भी अगर आपको फ्राई करना है तो लोहे की कढ़ाई यूज़ करिए, नॉर्मल रोटी सेकनी है तो लोहे की कढ़ाई यूज़ करिए। तो मैं हमेशा रोटी के लिए नॉर्मल लोहे का तवा जो वो यूज़ करती हूँ। रोटी बेलना कोई भी सहर कोई कर सकता है, तो वो मैंने इस वीडियो में दिखाना जरूरी नहीं समझा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें जौ का आटा है, बेसन है, तो वो ज़्यादा जो है वो चिपकता है, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा आटा लेके इसे बेलना है। बहुत बड़ी रोटी जो है वो मत रेडी करिएगा, वरना पूरी फट जाएगी रोटी। आपको एक छोटा सा जो है रोटी पराठा वो रेडी करना है। आप ध्यान रखिएगा घी बिल्कुल भी मत लगाइएगा, आपको घी जो है वो ऊपर से लगाना है। तो इस तरह से आपको जो है वो रोटी जो है वो रेडी करनी है अपनी, और जी भर के खाइए। 2-4 रोटी आप आराम से, देखिए कुछ लोगों के साथ होता है कि विदाउट रोटी उनका पेट नहीं भरता है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो डाइट में भी रहना चाहते हैं, वेट भी लॉस करना चाहते हैं और पेट की गंदगी भी निकालना चाहते हैं। तो आप इस रोटी को इजी होके खा सकते हैं। तो आप इसे बोल सकते हैं डिटॉक्स रोटी विद मल्टीग्रेन रोटी, यानी 2 चीज़ों को मैंने एक साथ बनाया है, और मैं ये 2 रोटी ईजी होके खा लेती हूँ। आप इसके साथ थोड़ी सी सब्जी, आप इस समय गर्मियां हैं तो लौकी की सब्जी, तरोई की सब्जी, हर कोई हर चीज़ की सब्जी आप जो है वो
सॉरी कोकोनट ऑयल के से में बना के खा सकते हैं। तो आपका ये जो लंच है डिनर है आप दोनों में से ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इस को डिनर में लेना चाहते हैं तो 7:30 तक आप इस डिनर को कंप्लीट कर लीजिए। तो ये मैंने 2 रोटी का आटा ही रेडी किया था, आप चाहे तो फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जो करेला होता है वो नेगेटिव यानी कि उसमें नेगेटिव कैलोरी होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो खा रहे हैं उसके साथ मिला के वो उसकी कैलोरी को भी माइनस कर देता है, तो नेगेटिव कैलोरीज होती हैं करेले में। तो इसलिए मैंने इसको इस आटे में ऐड किया है ताकि आपको जो कैलोरी भी मिल रही हैं थोड़ी बहुत आटे से, तो ये करेला उसके साथ मिल के उस कैलोरी को भी आपकी माइनस कर दे। बिल्कुल भी खाने में आपको आप सोचें कि ये जो करेला है आपको कड़वा लगेगा, तो बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। अगर आपको पल्प के साथ थोड़ा बहुत लगता भी है तो आप जो है इसके पानी से कर लीजिए, लेकिन मैं पल्प के साथ ही इसको लेती हूँ तो बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा। अगर आप सब्जी बहुत टेस्टी सी बना रहे हैं आप बटर मिल्क इसके साथ ऐड कर लीजिए। तो 1 महीने तक इसको लंच या डिनर में ऐड करिए, या लंच और डिनर दोनों में 2 रोटी लंच में 2 रोटी डिनर में खाइए। वेट बिल्कुल भी नहीं गेन होगा, इवन घटेगा, क्योंकि मैं फिर से बोल रही हूँ करेले में नेगेटिव कैलोरीज होती हैं। तो एक बार ट्राई करिए, जैसा भी इसका वो हो बताइए मुझे। तो ये मेरी रोटी रेडी है। इसके बाद अब मैं क्या करूँगी, 1/2 टेबल स्पून घी इसमें लगाऊंगी, क्योंकि गुड फैट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए, तो गुड फैट भी लेना बहुत अच्छा है। बनाइए और मुझे बताइए कि आपको ये कैसी लगी। फ्रेंड्स आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है, जस्ट आप इसकी प्यूरी हमेशा फ्रिज में रखिए, आटा सानने जा रहे हैं उसमें ऐड कर लीजिए। 2-3 तरह की चीजें मैंने इसमें ऐड की हैं, वो इसलिए ऐड की हैं कि सारी चीजें, देखिए गेहूं का आटा कहीं ना कहीं आपको कैलोरीज बनाता है, लेकिन ये जो 2-3 चीजें मैंने इसमें ऐड की है वो आपको फिट रखेगा, फाइन रखेगा, हेल्दी रखेगा, बॉडी डिटॉक्स करेगा, फैट बिल्कुल भी नहीं चढ़ेगा, इवन वेट लॉस होगा, फैट लॉस होगा, क्योंकि मैंने इस फैट लॉस की जर्नी में इस रोटी को ऐड किया है। तो अगर ये वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो भर भर के लाइक कर दीजिएगा, चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस मेकअप को मैंने कैसे किया है और मतलब कितनी देर में किया है अगर इसको देखना चाहते हैं तो मेरा ये जो यहाँ पे आपको आई बटन पे शो रहा है यहाँ पे क्लिक करिए, आपको दिख जाएगा कि मैंने किस तरह से ये मेकअप किया हुआ है। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।